हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा लेक्चर लाइफ साइंस का। लास्ट लेक्चर थोड़ा लेंदी था, उसमें कंटेंट थोड़ा कम था क्योंकि मुझे कवर करना था कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं, तो दोनों का ध्यान रखना था। तो अब से मैं थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाऊँगा वीडियो में, शायद लेंथ उतनी ही रहे पर कंटेंट ज़्यादा होगा और आप लोगों को अब और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज। सबसे पहले आज हम देखेंगे कुछ थियोरीज। बायोलॉजी में बहुत सारी थियोरीज हैं जो बहुत सारे लोगों ने दी हैं। अब वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थियोरीज हैं और उस थियोरीज में क्या है और उनको किसने दिया है, मतलब हु गेव दोज थियोरीज एंड वट इट हैज़ इन साइड। सो वील डिस्कस दोज थिंग्स टूडे। ओके, सो वील मेक अ हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट थियोरीज। ओके, सो यहां सबसे पहले है नंबर वन, थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थियोरी ऑफ इनहेरी of acquired characters. तो थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसको दिया था लेमार्क ने। इट इज बाय लेमार्क। लेमार्क के बारे में हमने कल देखा था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, व्हाट इट सेज। इट सेज characteristics acquired by individual in his own generation are passed to next generation. You can make notes also, आप notes बना सकते हैं। तो ये कहता है characteristics acquired by individual in his own generation are passed to next generation। मतलब ये है कि अगर आपने अपनी पीढ़ी में कुछ characteristics मतलब गुण को धारण कर लिया है तो वही गुण आपकी अगली पीढ़ी में भी पास हो जाएंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दे के समझाया कि पहले क्या था, जो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया जिराफ का।
पहले जो जिराफ थे वो उनकी गर्दन छोटी होती थी, और जैसे जैसे नीचे की घास खत्म होनी शुरू हुई तो उनकी गर्दन ऊंची होनी शुरू हुई। आप लोग समझ जाइएगा, आप रफली ड्राइंग, ये रफ ड्राइंग है, आप समझ जाइए, आर्ट उतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया कि जो पहले जिराफ थे वो कम, उनकी गर्दन की लेंथ कम हुआ करती थी, पर जैसे जैसे नीचे की घास खत्म होनी शुरू हुई उनको ऊपर घास खाने के लिए पेड़ों के ऊंचाई तक पहुंचना पड़ा, और ऐसा करने से उनकी गर्दन की मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ा, उन्हें गर्दन की मसल को स्ट्रेच करना पड़ा, और धीरे धीरे जो आज का जिराफ है हम जिसको देखते हैं उसकी गर्दन काफी लंबी हो गई। ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती गई, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुई, और ये आज के जिराफ की कंडीशन हो गई। तो हुआ क्या यहां पर को, जो नेक मसल्स है जिराफ की वो स्ट्रेच हुई और जिराफ की गर्दन ऊंची हुई, क्योंकि उसको खाना खाने के लिए अब ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा था पेड़ के, क्योंकि नीचे की घास खत्म हो चुकी थी। और जो टुडे, जो आज का जिराफ है, मींस सो टुडे जिराफ विथ लॉन्ग नेक्स वी आर सीइंग। तो इसको ऐसे समझेंगे कि जो स्टार्टिंग का जिराफ था घास की कमी थी, तो घास पहले ज्यादा थी तो वो अपने ही लेवल पे घास खा सकता था, पर धीरे धीरे घास की कमी होनी शुरू हुई, उसको ऊंचाई की तरफ जाना पड़ा जिससे उसकी नेक स्ट्रेच हुई, और स्ट्रेच होते होते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये आज के जिराफ के रूप में पहुंच गया। ये जो पूरा सिस्टम था कि जिराफ की जो गर्दन ऊंची हो रही है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी, ऐसा कहना था, ऐसा कहना था लेमार्क का। फिर एक थियोरी और है, आपको याद ये रखना है कि थियोरी ऑफ
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, हु गेव एंड वॉट इट इज ऑल अबाउट. दीज टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम. नाउ वन मोर थियोरी इज देयर, दैट इज जर्म प्लाज्म थियोरी. जर्म प्लाज्म थ्योरी. अब ये बात इन्होंने एस्टैब्लिश कर दी कि ऐसा होता है, पर एक वाइज मैन, मतलब सयाना आदमी, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और उसका नाम था विजमैन. आप याद रख सकते हो कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद एक वाइज मैन, मतलब एक होशियार आदमी ने इसको चेक करने की कोशिश की. उसका नाम था विजमैन. विजमैन, वाइज मैन, ऐसे आप याद रख सकते हो. और उसने दी जर्म प्लाज्म थ्योरी. ओके, हेयर आई एम राइटिंग बाय विजमैन. ये यहां स्पेलिंग गलत है, आप लोग यहां से करेक्ट कर सकते हैं. विजमैन, ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन रैट्स. And he rejected Lamarck's theory. What he said that whatever physical modification was happening in giraffe's body was transmitted to next generation. Wiseman was totally opposed. He totally opposed this theory. He was telling, no, it is not happening. There is a something different mechanism by which these kind of characteristics can transfer from one offspring to next offsprings. So he rejected Lamarck. He rejected Lamarck theory. He proved that not all characters from parents to offsprings are passed to next generation. You can make notes also same time. He proved that not all characteristics from parents to offsprings are passed to next generation. उसने बताया कि सारे के सारे गुण अपने माता पिता से बच्चों में नहीं पास होते. जो भी कैरेक्टर्स पास होते हैं वो सब जर्म सेल को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वही पास होते हैं. मींस ओनली दोस Only those
influence the germ cells are only inherited. Means only those characters which influence germ cells are inherited. Means जो germ cells को affect करते हैं सिर्फ वही characters आगे offsprings में जाते हैं. Now we will see what is this germ cells, because theory says germplasm theory. Germ cells are biological cells these are biological cells that gives rise to gametes of organisms that gives rise to gamete of an organism. मतलब जर्म सेल वो सेल होती हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म में गमेट सेल्स को बनाती हैं. अब गमेट्स क्या होते हैं? अब वर्ड आ गया है गमेट्स, तो सबसे पहले गमेट्स को देखते हैं. गमेट्स क्या होते हैं? गमेट्स को एक तरीके से बोलते हैं हम गमेट्स को समझने के लिए हमको समझना होगा कि जैसे एक स्पर्म है मेरी आर्ट तो बहुत अच्छी नहीं है ओके एक स्पर्म है और एक ओवम है. गमेट्स मेल्स में गमेट्स होते हैं स्पर्म, फीमेल में ओवम. एक तरीके से सेक्स सेल्स कहा जा सकता है इनको ओवम. That is female egg and male sperm. तो sperm हुआ आपका male gamete और ovum हुआ आपका female gamete. जब स्पर्म एग से मिलता है व्हेन ओवम एंड स्पर्म कंबाइन दे प्रोड्यूस जाइगोट. सो दे फॉर्म जाइगोट. जाइगोट फर्दर डेवलप्स एंड प्रोड्यूस two type of cells. Zygote further develops and produce two types of cells. कौन कौन सी सेल होती हैं? एक सेल को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स सोमैटिक सेल्स
और दूसरी को हम कहते हैं जर्म सेल। और सेक्स सेल्स। जर्म सेल्स में क्या होता है? जर्म सेल्स का काम होता है दीज फॉर्म गमेट्स इन बॉडी। मींस ये सेल्स दोबारा गमेट्स बनाते हैं किसी भी बॉडी में। मतलब स्पर्म एंड ओवम। सपोज आपके फादर के स्पर्म से और आपके मदर के स्पर्म से आप पैदा हुए और फिर आपकी बॉडी में दो टाइप की सेल बनी। पहली सोमैटिक सेल्स, दूसरी जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को सेक्स सेल्स भी कहते हैं। अब इन्होंने फिर से आपकी बॉडी के अंदर, अगर आप मेल हैं, तो गमेट्स बनाया जो कि स्पर्म है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपकी बॉडी में ओवम बनाएंगे। ठीक है, अब सोमैटिक सेल्स देखते हैं क्या होता है। जर्म सेल्स को छोड़कर जितनी भी बॉडी में सेल्स होती हैं वो सारी की सारी सोमैटिक सेल्स होती हैं। मींस रेस्ट ऑल द सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इनको बॉडी सेल्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज बॉडी सेल्स। दीज सेल्स डाइस विद पर्सन डाइड। ओके, सोमैटिक सेल्स किसी पर्सन के मरने के बाद नष्ट हो जाती हैं, मतलब वो भी मर जाती हैं। पर गमेट्स ये एक पर्सन के मरने के बाद उसके बच्चों में चला जाता है। तो दरअसल जो भी कैरेक्टर्स गमेट्स में होंगे वही नेक्स्ट जनरेशन को पास होंगे, ऐसा कहना था हमारे वेजमैन का, जो कि लेमार्क के बिल्कुल अपोजिट था। तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए वेजमैन ने क्या किया, वेजमैन ने एक्सपेरिमेंट किए। फिजमन एक्सपेरिमेंटेड विथ रैट्स। उसने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और उसने क्या किया, ये मेरा चूहा है, उसने इन चूहों की पूंछ काटी।
जब इन चूहों के बच्चे हुए, उसने इनकी फिर से पूंछ काट दी और ऐसा उसने इनकी 20 पीढ़ियों तक किया। मीन्स विजमैन टुक माइस एंड ही कट देयर टेल्स टिल 20 जनरेशंस, बट स्टिल लास्ट जनरेशन वॉज हैविंग फुल टेल। सो इट्स मीन ही टोल्ड इफ ही इज चेंजिंग सोमैटिक सेल्स, मीन्स ही इज ऑल्टरिंग सोमैटिक सेल्स, मीन्स दिस टेल सेल्स आर सोमैटिक सेल्स एंड ही इज चेंजिंग, ही इज कटिंग हेयर, सो इट इज नॉट पासिंग थ्रू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन इज स्टिल हैविंग फुल टेल। सो ही कंक्लूडेड दैट लेमार्क वॉज रॉन्ग। ओके, बाय दिस एक्सपेरिमेंट, विद दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली लेमार्क ऑल्सो ही ऑल्सो डिसअप्रूव वन ऑफ द डार्विन्स थियोरी दैट वॉज द लॉ ऑफ डिसयूज। सो लॉ ऑफ डिसयूज इनवैलिडेट बाय invalidate by Wiseman। Okay, and this was law of disuse was given by चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग नेम दैट टाइम एंड ही इनवैलिड दिस लॉ। व्हाट द लॉ सेज, इट सेज इफ यू डू नॉट यूज एनी ऑर्गन इट विल नॉट बी इन यूज, मीन्स इफ यू डू नॉट यूज एनी ऑर्गन इट विल नॉट बी इन यूज। मीन्स अगर आप कोई ऑर्गन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो आपके काम नहीं आएगा। इसको समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया
मोल्स का। मोल्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अब मोल्स क्या होते हैं हिंदी में, इनको बोलते हैं शायद छछूंदर। छछूंदर कहते हैं मोल्स को हिंदी में। तो जो मोल्स है, मोल्स में क्या होता है, देयर आईज आर कवर्ड विद हेयर्स एंड आईज आर वेरी स्मॉल, देयर आईज आर वेरी स्मॉल बिकॉज इट डू नॉट यूज इन अंडरग्राउंड, बिकॉज मोल डू नॉट यूज आइस अंडरग्राउंड। ओके, क्योंकि जब मोल धरती के अंदर होता है तो वो अपनी आंख इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए उन्होंने कहा कि मोल को आंख की अब जरूरत नहीं है। पर वाइस मैन जो हमारे हैं, उन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया। Disapproved this. उन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप किसी लेडी की एक आंख को बंद कर देते हैं और उसकी आंख पूरे लाइफ टाइम के लिए बंद रहती है, पर फिर भी उसके जो बच्चे होंगे उनकी दोनों आंखें स्वस्थ होंगी। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया इफ यू कवर अ फीमेल आई सीन्स शी बॉर्न टिल हर चाइल्ड विल बी हैविंग बोथ आईज। सॉरी दोस्तों, मैं जिस इंस्ट्रूमेंट से लिख रहा हूँ शायद उसकी सेंसिटिविटी में थोड़ा सा इश्यू है, इसकी वजह से हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है। बोथ आईज दैट इज चेंजेस इन सोमैटिक सेल्स हैज नो रिलेशन विद डीएनए और जर्म सेल्स।
हैंस विल नॉट पास टू पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। सॉरी गाइस, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करके फिर आपके पास आता हूँ। अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। इस लेक्चर इस चैप्टर का इस टॉपिक का कंटिन्यूएशन मैं अगली वीडियो में करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, ताकि आप बाद में अच्छे से इसको पढ़ सकें और रिविजन के लिए आप वीडियो दोबारा प्ले कर सकते हैं। Thank you so much and enjoy.